तो आज आम एनसीईआरटी क्लास 11 रो एक्सरसाइज 7.3 लगे जहाँकि परमुटेशन उपरे बेस अच्छी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रो सीरीज आमर स्टार्ट हो जा मोर गोटे रिक्वेस्ट हो तुम्हें वीडियोस को सिक्वेन्स देख वीडियोस गुड़ी को तुम्हें सब बड़े सिक्वेन्स देखापे ट्राए कर फास्ट वीडियो सेकेंड वीडियो थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो यही उपाय तुम्हें देख जदि तुम्हें अधारु वीडियो देखा स्टार्ट करना तुम्हें किसी भी बुझीपार ना तुम डाउट्स रही जदि तुम्हें चाहूँ तुम कौन सी डाउट्स न रहू तेब तुम वीडियोस गुड़ी को सिक्वेन्स देखा चेष्टा कर जमीक कौन सी गोटे भी वीडियो तुम मिस हम ना बुझीला। चलो बर्तमान आम डेरी न कर एक्सरसाइज 7.3 को जी परमुटेशन फॉर्मूला तुमको बुझे परमुटेशन केतेबेले आउ काहीं यूज कराए से विषय में बुझे तार एप्लीकेशन्स गुड़िक विषय में धारणा नहीं सारच बेसिक रू नहीं कि एडवांस लेवल प्रश्न गुड़िकर समाधान कर सारच तो एठारे तुमको कौन सी डर रही एक्सरसाइज को जी डायरेक्ट देख एठारे क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न अच्छी जे हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड कहगला जे आमे केतोटी 3 अंक विशिष्ट संख्या गठन करिपरिबा 1 to 9 पर्यंत अंक गुड़ी को नेकी जेते बेले कि कौन से भी अंक को आमे रिपीट करिबा नाही बुझियाला। तो आमको तैयारी करिया पई पड़िबो 3-digit नंबर्स आम पाखरे 1 to 9 पर्यंत अंक अवेलेबल अच्छी माने टोटल 9 अंक एठारे 0 नाही तो आमपाई प्रश्नटी आहुरी सुविधा होगा आम पाखे कौन कौन अंक अच्छी 1 अच्छी 2 अच्छी 3 अच्छी 4 अच्छी 5 अच्छी 6 अच्छी 7 अच्छी 8 अच्छी आ 9 अच्छी तो टोटल आम पाखे 9 अंक अच्छी आम या 3-digit नंबर बुझीला माने ये मुनटा बक्स काटिदे 1, 2, 3 ये बॉक्स गुड़ी करे आमे नंबर्स मानकु लेखिबा बुझियाला। देख फास्ट प्लेस रे आमे ए 9 अंक मधुरु जे कोनोसी गोटे अंक को लेखि दे पारिबा कोनोसी असुविधा नाही ए जगह रे बुझियाला। तो फास्ट प्लेस रे आमे 9 वेज रे डिजिट्स को लेखि पारिबा 1 हे पारु 2 हे पारु 3 हे पारु 4 हे पारु 5 हे पारु 6 हे पारु 7 हे पारु 8 हे पारु किंबा 9 हे पारु कोनोसी भी गोटे अंक को टाणी आनी के अभीतरे आमे लेखि दे पारिबा। तो यही उपाय में 9 वेज रे फास्ट प्लेस को फुलफिल करी परिबा। सेकेंड प्लेस को जीवा वर्तमान सेकेंड प्लेस को देखो सेकेंड प्लेस रे केतोटी वेज रे हमें डिजिट्स को लिखि परिबा तुम्हें निजे कह एठारे कह नो डिजिट इज रिपीटेड कौन से भी डिजिट को हमें रिपीट करिबा नाही जदि हमको रिपीट करने कह जाता तो ये भी 9 वेज रे हमें लिखि परि थांतु बुझीला ना प्रत्येक जगह रे हमें 9 लिखि देकी जाइथांतु किंतु कह हमें रिपीट करिबा नाही जेहेतु आम रिपीट करवानी फास्ट प्लेस रे जो डिजिट को आम यूज कर सारचु सेकेंड प्लेस रे से डिजिट को यूज करा ना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बुझीला। तो एठारे आम 8 वेज रे डिजिट्स गुड़ी को लेखिपर एवं थर्ड प्लेस रे आम 7 वेज रे डिजिट्स गुड़ी को लेखिपर बुझीला ना फास्ट आउ सेकेंड प्लेस रे जो जो डिजिट्स को आम यूज कर सारचु ताको थर्ड प्लेस रे यूज करनी तो टोटाल आम पाखे डिजिट्स बस 7 बुझीला ना आम पाखे केतोटी डिजिट बंचिबो आउ 7 टाइप्स रो डिजिट को आम ए जगह लेखि परिबा बुझीला। तो टोटल आम केतोटी वेज पाइलु ना 9 × 8 × 7 माने 504 वेज 504 वेज रे आम 3-digit नंबर्स तयारी करि परिबा बुझीला। एथिरे कहार किछ असुविधा अछि कि नाही आमे चाहिले ए जगह रे परमुटेशन नो फॉर्मूला मध्य प्रयोग कर दे परिबा काहेकि ना एठारे कुहा जाइछि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड जेहेतु रिपीटेशन अलाउड नाही त आमे एठारे परमुटेशन नो फॉर्मूला भी प्रयोग कर दे परिबा NPR एन माने होउछि नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल आम पाखरे केतोटी डिजिट अछि 9 तो एन जगह रे आमे 9 लिखि दे परिबा आ आर जगह रे आमे लिखिबा 3 काहेकि ना आमे 3-digit नंबर्स तैयारी करुचु बुझीला। तो NPR रो फॉर्मूला कौन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल तो आम लिखिदेपर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल तो आम पाइबा 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल को आम भांगी देपर 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बुझीला। काहीकि मु 6 फैक्टोरियल पाखे अटकी गली कहीं तले देख मो पाखे रही 6 फैक्टोरियल बुझीला ना
अरे 9 माइनस 3 केते की 6 ना तो 6 फैक्टोरियल पाखरे मु सेति पई अटकी गली तो 6 फैक्टोरियल सहित 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गला आ हम पाखरे रहिला 9 * 8 * 7 माने सही 504 ways इज द करेक्ट आंसर बुझियाला कहारे किछ असुविधा रहिले के ई जगह रे समस्त बुझी गलो चलो वर्तमान हमें नेक्स्ट प्रश्न को जीवा माने क्वेश्चन नंबर 2 को बुझियाला एठारे हमें आउ गोटे ट्रिक भी प्रयोग कर दे परिवा मु तुमको गोटे ट्रिक सिखे दू छी देखो एठी होछे 9p3 एत्ते बड़ धंधा करबा कोनो से आवश्यक नाही 9p3 तो हमें कौन करबा डायरेक्ट आंसर बाहर करिया पई ए 9 को एक्सटेंड करबा तीनटा स्थान पर्यंत बुझियाला ना केमती देखो 9 तापर 8 तापर 7 बुझियाला ना ए एन को आर टाइम्स पछु को नेकी गुणन कर दियो तो हमें से 504 पाइबा जदि कहा जाए 5p2 केमती बाहर ए 5 को 2 टाइम्स एक्सटेंड कर दियो माने 5 × 4 = 20 बुझियाला जदि कहा गला 11p3 केमती बाहर 11 को 3 टाइम्स एक्सटेंड कर दियो 11 10 9 बुझियाला तो आमे पाइबा 11 × 9 = 990 एमती बाहर जीवो बुझियाला ना धरा जाऊ कहा गला 7p4 केमती बाहर नहीं 7 को 4 टाइम्स एक्सटेंड कर दियो पछाड़ को माने 7 6 5 4 हला हे गला ना तो देखिबो गुणी के केते बाहर छी एई भली भाव रे तमे परमुटेशन को ट्रिक माध्यम रे समाधान करी देई पारिबो बुझियाला ना चलो वर्तमान हमें नेक्स्ट प्रश्न को जीवा माने क्वेश्चन नंबर 2 को मु लिभे दू छी एठरे क्वेश्चन नंबर 1 नो समाधान को देखो क्वेश्चन नंबर 2 रो प्रश्न अछि एठरे हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड हला केतोटे टोटल 4 डिजिट नंबर अछि विथ नो डिजिट रिपीटेड जेउ जगह रे कि कोनोसे भी डिजिट को रिपीट करा जाय नथिबो बुझियाला ना केतोटी एमतिया 4 डिजिट नंबर हम पाखरे अछि हला तो देखो हम पाखरे टोटल केतोटी डिजिट अछि कहि परिबो 4 डिजिट नंबर्स तयारी करिया पई टोटल केतोटी डिजिट अछि तमे कहबो सर 0 टु 9 पर्यंत डिजिट हम पाखरे अवेलेबल अछि माने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आउ 9 टोटल हम पाखरे हे गला 10 डिजिट्स केतरे डिजिट हे गला 10 डिजिट्स बुझियला ए 10 डिजिट्स गुडी को आमे यूज करिबा आ 4 डिजिट रो नंबर तयारी करिबा एमिति केतोटी 4 डिजिट रो नंबर तयारी हेई परिबो जेउठारे की कोनोसे भी डिजिट रिपीट होउ नथिबो तो मु एठारे कोन करिवि ना चारटा प्लेस तयारी करूची चारटा बॉक्स कर दउची बुझियाला तो देखो रिपीटेशन अलाउड नाही एटा मने रखिथिबो तो टोटल हम पाखरे केतोटी अंक अछि 10टी अंक अछि बुझियाला 10टी अंक मध्यरु ए फास्ट प्लेस रे आमे केतोटी अंक को यूज करि परिबा देखो यूज हमर यूनिट प्लेस यूज हमर टेंस प्लेस यूज हमर 100 प्लेस आ यूज हमर 1000 प्लेस बुझियाला ना माने एकक दशक शतक आ हजार यूनिट प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस बुझियाला तो हमको 4 डिजिट रो नंबर तयारी करिया पे पड़िबो जदि आमे 4 डिजिट रो नंबर तयारी करिबा ताहाले ए 1000 प्लेस रे आमे 0 को यूज करि परिबा नाही बुझियाला ना जदि आमे 1000 प्लेस रे 0 को यूज कर दबा आ एंती गोटे नंबर तयारी करले 0253 तो ये तो 3 डिजिट नंबर हे गला कोठी आउ रहिला ये 4 डिजिट रो नंबर हमको प्रिपेयर करिया पे पड़िबो ओनली 4 डिजिट रो नंबर तो आमे 1000 प्लेस रे 0 को नहीं परिबा नाही 0 अन्य जे कोनसी जगह रे बसी परिबो किंतु 1000 प्लेस रे बसी परिबो नाही हमको 4 डिजिट्स रो नंबर दरकार बुझियाला 0 आउ जोठी भी बसले चलिबो 2053 चलिबो 2503 चलिबो बुझियाला 5230 चलिबो आउ जे कोनसी जगह रे बसु 0 किंतु ए 1000 प्लेस रे आमे 0 को बसेई परबा नाही तो आम पाखरे केतोटी डिजिट्स आउ रहिला 0 को छाड़ देगी आउ 9 डिजिट्स रहिला तो ए 1000 प्लेस रे आमे 9 वेज रे डिजिट्स को अरेंज करि परबा बुझियाला एबे 100 प्लेस रे आमे केतोटी वेज रे डिजिट्स को अरेंज करि परबा टोटल 10टा डिजिट रु 9टा डिजिट
एठी आमे यूज करि परिबा बुझियाला ना किंतु एठी आमे जीरो को यूज करि परिबा 100 प्लेस रे जीरो को यूज करा जाई परिबो बुझियाला तो देखो आमे एठी 10टा डिजिट मानन को मधुरु गोटे डिजिट को ए जगह रे पुरै दिछु आउ आम पाखरे रहिला 9 डिजिट्स आउ केतोटी डिजिट्स रहिला आउ 9 डिजिट्स रहिला बुझियाला ना एठी सिना जीरो बसी परिबोनी सेति पई आमे 9 वेज रे अरेंज करि परिबा एठी किंतु एठी तो जीरो बसी परिबो ना बुझियाला तो एठी आउ 9 वेज रे डिजिट्स को आमे अरेंज करि परिबा जीरो को मिसै के हला 10टा डिजिट मध्यरु जे कोनो से गोटे डिजिट को आमे ए जगह रे बसी परिबा एक्सेप्ट जीरो बुझियाला आउ बाकी 9टा डिजिट रहिला ए 9टा डिजिट को आमे ए जगह रे अरेंज करि परिबा 9 वेज रे बुझियाला एबे टेंस प्लेस रे आमे दीटा कटिगला एठी गोटे बसीगला एठी गोटे बसीगला आउ एठी आमे 8 वेज रे अरेंज करि परिबा बुझियाला आउ एठी 7 रिपीटेशन अलाउड नाही तमे कहबे सर एठी 9 आउ एठी भी 9 रहला तो रिपीटेशन अलाउड हेगला अरे ना बोका एठी 0 बसी परिबो नाही नल तो मु एठी 10 लिखी थांदी 0 बसी परिबो ना टोटल 10 डिजिट अछि एठी 0 बसी परिबो तो 9 वेज रे आमे डिजिट्स मानु को एठी अरेंज करि परिबा बुझियाला ना एठी तो 0 बसी परिबो ना एठी 8 वेज रे हे थांता किंतु एठी 0 भी बसी परिबो तो 8 प्लस आउ गोटे डिजिट होची तुमर 0 तो एठी 9 वेज रे आमे अरेंज करि परिबा बुझियाला ना तो मल्टीप्लाई कर दियो 9 × 9 × 8 × 7 केते आसी वाला आंसर देखिनियो 9 × 9 × 8 × 7 ननुआ 81 आउ एठी तुमर आसी वाला 856 देखियो 81 × 56 केते आसुची 6 × 6 = 48 आसी वाला 5 × 5 = 8 × 5 = 40 आसी वाला 6 × 8 = 5 केते 13 3 + 1 = 4 × 5 4 4536 4536 वेज बुझियाला 4536 वेज इज द करेक्ट आंसर तो एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 2 रो सॉल्यूशन हे गला एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 3 रो प्रश्न अछि जे हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड तो आमे तयारी करिबा 3 डिजिट इवन नंबर्स 3 अंक विशिष्ट युग्म संख्या तयारी करिबा केउ केउ अंक गुडी को व्यवहार करिकि ना 1 2 3 4 6 आउ 7 एति कि अंक को व्यवहार करिकि आमे 3 अंक विशिष्ट युग्म संख्या तयारी करिबा आ मने रखिबो नो डिजिट इज रिपीटेड कोनोसे भी डिजिट को आमे रिपीट करिबा नाही तो केतोटी वेज रे आमे 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्मेशन करि पारिबा ये होची हमर प्रश्न बुझियला ना तो आम पाखे कौन कौन अंक अच्छी ना 1 अच्छी 2 अच्छी 3 अच्छी 4 अच्छी 6 अच्छी आउ 7 अच्छी टोटल 6 डिजिट्स अच्छी बुझियाला तो आमे तैयारी करिबा 3 डिजिट नंबर्स 1 2 3 तीनटा बॉक्स दे देले एठी यूनिट प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस एकक दशक शतक बुझियाला आमे तैयारी करिबा इवन नंबर्स की नंबर तैयारी करिबा इवन नंबर्स माने कोन युग्म संख्या तो युग्म संख्या कहा को कहा जाए ना जेउ संख्यार एकक स्थान रे थिबा अंकटी युग्म ताहा को आमे युग्म संख्या बोली कहिबा माने एकक स्थान रे हमर आसीबो 0 2 4 6 8 एई भलिया अंक आसी परिबो किंतु एठी हम पाखरे कोन कोन युग्म डिजिट अछि 2 4 आउ 6 ए तीनटा डिजिट मानक मधुरु आमे जे कोनोसे डिजिट को ए यूनिट प्लेस रे यूज करि परिबा बुझियाला ना तो एठारे आमे 3 डिजिट्स को यूज करि परिबा 3 वेज रे डिजिट्स को यूज करि परिबा बुझियाला ना तो 6टा डिजिट मधुरु गोटे डिजिट आमे ए जगह रे यूज कर दबा बाकी देखो टेंस प्लेस आ 100 प्लेस रे आमे जे कोनोसे डिजिट को यूज करि परिबा एठी सेमती किछि पाबंदी नाही बुझियाला ना तो देखो एठी तो गोटे डिजिट आमे यूज कर दबा ए तीनटा डिजिट मध्यरु गोटे डिजिट आमे ए जगह रे यूज कर दबा रिपीटेशन अलाउ नाही बुझियाला तो 6टा डिजिट रु गोटे डिजिट ए जगह रे बसी गला 6टा डिजिट रु गोटे डिजिट बसिला माने तमे केवल ए तीनटा भितरु गोटे बसेबो सेति मे मु एठी 3 लेखि देले 3 वेज रे आमे डिजिट को यूज करि परिबा तो 6 भितरु गोटे माइनस हे गला गोटे ए जगह रे बसी गला आ रहला 5 डिजिट्स तो देखो ये टेंस प्लेस रे हमें 5 वेज रे डिजिट्स को यूज करि परिबा बुझियाला तो एठी गोटे बसी गला एठी गोटे बसी गला दीटा डिजिट को माइनस कर दियो 6 डिजिट्स रु 2 डिजिट्स को काढ़ी दियो आउ रहिला हम पाखरे 4 डिजिट्स तो ये 100 प्लेस रे हमें 4 वेज रे डिजिट्स को यूज करि परिबा बुझियाला
तो टोटल नंबर ऑफ वेज केते आसीगला ना 4 × 5 × 3 देख 4 × 5 = 20 × 20 = 30 × 20 = 60 बुझीगला ना। चलो ठीक अच्छे वर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा माने क्वेश्चन नंबर 4 को एठारे क्वेश्चन नंबर 4 रो प्रश्न अच्छी फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तापर आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी एक क्वेश्चन रो सेकेंड पार्ट जे हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो क्वेश्चन को टिके भल भाव बुझापी चेष्टा कर कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड है। तो आम पाखे पांचटा डिजिट अच्छी टोटाल 1, 2, 3, 4 और 5 बुझीगला ये पांचटा अंक को व्यवहार करके आम 4 डिजिट्स केतोटी नंबर तैयारी कर पारा माने 4 अंक विशिष्ट केतोटी संख्या आम तैयारी जदि कौन सी भी डिजिट को आम रिपीट करवा ना कौन सी भी डिजिट को आम यूज करवा ना द्वितीय थर पर कौन सी डिजिट को यूज करना है जहाँ यूज कर थे। तो यही केतोटी 4 डिजिट्र नंबर फर्मेसन हो पार सेकेंड पार्ट्रे कौन कह जा हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन माने एमानक मध्यरु केतोटी इवन नंबर हबो इवन नंबर माने बुझी पार्छो तो जुग्म संख्या बुझीगला। तो मुझे लिभे दूची आम पाखे टोटाल पांचटा डिजिट अच्छी 1, 2, 3, 4, 5 बुझीगला आम 4 डिजिट्र नंबर या तो 0 ना तो आमपाई बहुत सहज हो गला 4 डिजिट्र नंबर माने 1, 2, 3, 4 चार्टा बॉक्स काटिदेले बुझीगला। तो इवन नंबर तो कहनी ना खाली 4 डिजिट्र नंबर फॉर्मेशन करवा तो देख आम एठारे 1, 2, 3, 4, 5 यही जगार आम 5 वेज रे नंबर को यूज कर डिजिट्स को यूज कर तो गोटे नंबर यही जगह यूज हो गला आ रहा 4 नंबर 4 डिजिट तो 4 डिजिट को आम यही जगह यूज कर बुझीगला यही दुटा जगार भर्ती हो गला गोटे गोटे माइनस कर दियो आउ रहा 3 डिजिट तो ये आम 3 वेज रे डिजिट को यूज कर बाकी जगह आम 2 वेज रे डिजिट को यूज कर बुझीगला। चलो वर्तमान नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर बाहर करो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स 2 × 3 × 4 × 5 ला करो केते आसीबो 4 × 5 = 20 × 6 20 × 6 = 120 बुझीगला 120 वेज रे आम 4 डिजिट नंबर्स तैयारी। अच्छा तुम्हें चाहिए ये परमुटेसन भी फर्मूला पकईदे पार एनपीआर रमुला तो यार एन किए एन हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल आमर 5 डिजिट अच्छी बुझीगला आर कौन आर हूँ आमर ये 4 डिजिट नंबर आम या तो आर जगह आम 4 लिखा तो मुझे तुमको सिखेली सर्ट ट्रिक एनपीआर रो फॉर्मूला तो तुम्हें जानो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल किंतु तुमको फॉर्मूला आउ टिके आगु सिखेदेली ट्रिक मध्यम केमती कर 5 को 4 टाइम एक्सटेंड कर पछाड़ को माने 5 × 4 × 3 × 2 है 4 टाइम एक्सटेंड करदेल एवं देख एनसर आसमर 120 वेज है यह तुम्हें करदे पार कि असुविधा ना। चलो वर्तमान आम नेक्स्ट पार्ट को जीवा एक क्वेश्चन नो नेक्स्ट पार्ट अच्छे आम पाखे जे हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन माने सीधा सीधा हमको प्रश्न पचार जे केतटा आम 4 डिजिट रो इवन नंबर तैयारी करि परिबा बुझियाला ना 4 डिजिट रो इवन नंबर आम केतटा तैयारी करि परिबा तो इवन नंबर पई हमको यूनिट प्लेस रे इवन डिजिट रखिया पई पड़िबो बुझियाला ना ता माने 2 और 4 केवल 2 और 4 को आम यही जगह यूनिट प्लेस रे यूज कर बुझेगा तो यूनिट प्लेस रे आमर 2 वेज रे डिजिट्स को यूज करा जाई पारिबो। तो आमर 5 डिजिट रु गोटे डिजिट यही जगह बसीगला जे कोनोसी तुम 2 किंबा 4 भितर गोटे डिजिट यही जगह बसिबो तो 5 रु गोटे डिजिट यही जगह यूज हो गला आ रहा 4 डिजिट
तो ये देखो ये जगह रे हमें फोर वेज रे डिजिट्स को यूज कर परिबा तापर एठी हमें थ्री वेज रे डिजिट्स को यूज कर परिबा आ एठी हमें टू वेज रे डिजिट्स को यूज कर परिबा बुझी पारछ ना केमती हैला। चलो वर्तमान नंबर ऑफ फोर डिजिट इवन नंबर्स, नंबर ऑफ फोर डिजिट इवन नंबर्स केते आसीबो ना 2 × 3 × 4 × 2 आम पाइबा 2 × 3 = 6 × 6 = 12 × 4 = 48 वेज बुझीला ना। तो टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट इवन नंबर्स 48 बुझीला ना। तो ये जगह रे हमें 48 लिखिबा हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन एमानक मध्यरु केतोटी इवन नंबर आसीबो तमे कहिबो 48 नंबर आमर इवन नंबर आसीबो बुझीला। चलो ठीक अछि एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 4 रो सॉल्यूशन हे गला। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। देखो क्वेश्चन नंबर 5 रो प्रश्न अछि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। तो देख एठार तुमको चूज वार्ड देखिक लगुव ये हूँ आमर कम्बेसन प्रश्न सिलेक्शन प्रश्न तेणु एठार आम कम्बेसन फर्मूला यूज करवा कि बास्तव में जब तुम प्रश्न को भल भाव पढ़व आझे तुम्हें जापर ये हूँ एरेजमेंटर प्रश्न माने एठार परमुटेसन फर्मूला प्रयोग करके समाधान कर बुझेगा ना। किंतु आग को गले तुम्हें पढ़व आई पाइब जे कॉम्बिनेशन आउ परमुटेशन ये दीटा परस्पर सहित तो इंटरलिंक्ड हो थांती माने गोटे प्रश्नर समाधान को आम उभय परमुटेशन आउ कॉम्बिनेशन फर्मूला पकईकि समाधान कर दे पारिबा आम आग को यह किसी प्रश्न नबा जो प्रश्नर समाधान कि आम परमुटेशन फर्मूला पकईकि भी करदे पारिबा आउ कॉम्बिनेशन फर्मूला पकईकि भी करदे पारिबा बुझेला ना। चलो एबे आमे फोकस करिबा क्वेश्चन नंबर 5 उपरे फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। तो आम पाखे टोटाल केते जन लोक अच्छा 8 पर्सन्स माने 8 जन लोक अच्छा से आम मानि नबा ए बी सी डी ई एफ जी आउ एच बुझीला होगला 8 जन लोक ये 8 जन लोक को आम कौन करवा ना चूज करवा केमी चूज करवा ना आम दीटा पोजिशन चूज करवा गोटे है चेयरमैन पोजिशन आ गोटे है वाइस चेयरमैन पोजिशन बुझीला आम पाखे केवल दीटा पोजिशन अच्छी गोटे है आम चेयरमैन पोजिशन आ गोटे है आम वाइस चेयरमैन पोजिशन बुझीला। तो एमती आम चूज करवा जमती कि गोटे लोक गोटे पोजिशन ही अचीव कर पारिबो गोटे पोजिशन रे ही रही पारिबो गोटे लोक केवल गोटे पोजिशन ही ग्रहण कर पारिबो दीटा पोजिशन रे एका बेले के रही पारिबोनी माने ए चेयरमैन आ वाइस चेयरमैन दीटा जाक हेई पारिबो नाही जदि हबो चेयरमैन हबो नहले वाइस चेयरमैन हबो बुझियला ना हलानी। तो ये सिलेक्शन रो प्रश्न ना अरेंजमेंट रो प्रश्न टिके भलो भाबरे बुझिया पई चेष्टा करो। देखो अरेंजमेंट माने कौन ए आउ बी को आम एरेज केतटा उपाय रे करि परिबा दीटा लोक अच्छा ए आउ बी आउ दीटा जगह अच्छी तो आम केतटा उपाय रे अरेंज करि परिबा से मानको तमे कहिबो दीटा उपाय रे अरेंज करि परिबा ए बी करि परिबा नहले बी ए करि परिबा बुझियाला ना ए बी करि परिबा नहले बी ए करि परिबा ये हूँ अरेंजमेंट। किंतु जदि से दीज लोक अच्छा ए आउ बी आमको सिलेक्ट करने कहुए सिलेक्शन रो प्रश्न जदि थी तेल आम के उपाय सिलेक्ट कर गोटे उपाय सिलेक्ट कर नुहे कि ए आउ बी को आम केवल गोटे उपाय सिलेक्ट कर जगह एक्सचेंज करवा कौन से आवश्यक ना ए आउ बी ए बी जहाँ बी ए बी से सिलेक्शन क्षेत्र में बुझीला ना। तो ये सिलेक्शन प्रश्न ना अरेंजमेंट रो प्रश्न टी भल भाव देख जदि आम प्रथम ए को चेयरमैन बाछिले बी को बाछिले वाइस चेयरमैन एबे आम कौन करवा ना बी को चेयरमैन बाछिबा ए को वाइस चेयरमैन बाछिबा हो पार कि हाँ हो पार। तो एठारे ए बी भी हो पार बी ए भी हो पार बुझीला ना ये गोटे अलग कथा ये गोटे अलग कथा
एठारे ए चेयरमैन पोजिशन रोचे आठारे बी चेयरमैन पोजिशन रोचे बुझेगा ना से भाया सी आउ बी भितर भी आम कर बी को चेयरमैन बाछीपर सी को वाइस चेयरमैन किंबा सी को चेयरमैन आउ बी को वाइस चेयरमैन करा बुझीपारा तो ये हूँ आम जगह अदल बदल हो पार तो अरेंजमेंट आमर अलग अलग हो पार तो ये डिफरेंट वेज रे आम अरेंज करम पाखे केवल दुईटा पोजिशन अच्छे गोटे है चेयरमैन पोजिशन आ गए वाइस चेयरमैन पोजिशन लोक अच्छा आम पाखे आठ जन बुझीला तो केतटा उपाय आम अरेंज कर ये हूँ प्रश्न मोटामोटी भाव में जब तुम देख ये हूँ प्रश्न आमर इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन बुझीला ना तो ये हूँ सही प्रश्न आमर तो गोटे काम करवा एठारे आमे परमुटेशन फर्मूला लगे एन पी आर तो एन हूँ एठारे टोटल आठ जन लोक अच्छा आम दीटा जगार अरेंज करवा केतटा उपाय अरेंजमेंट पॉसिबल ये हूँ प्रश्न तो एट पी टू ट्रिक कही तुमको एट को टू टाइम एक्सटेड कर पछाड़क माने 8 इंटु 8 माइनस 1 माने 8 इंटु 7 बुझीगला ना 8 आउ ता पछको अच्छे 7 8 इंटु 7 हो गला 56 वेज बुझीगला ना टोटल नंबर ऑफ वेज हो गला एठारे 56 बुझीगला ना कहारे किछि डाउट रहिला कि असुविधा हैला कि हैला नाही चलो वर्तमान आम आगे जावा माने क्वेश्चन नंबर 6 को जावा मु लिभे देबी क्वेश्चन नंबर 5 रो सॉल्यूशन को समस्त बुझी हो चलो एबे टिके क्वेश्चन नंबर 6 को देखिबा देख क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न अच्छे फाइंड एन एन बाहर करो एन के आसिबो हला एन माइनस वन पी थ्री अनुपात एन पी फोर इज इक्वल टू एक अनुपात नौ बुझीला ना इज टू पढ़ अनुपात तो ओडिया रे कहीदेली तुम्हें अबे इंग्लिश पिला ना तो एन माइनस वन पी थ्री इज टू एन पी फोर इज इक्वाल टू वन इज टू नाइन बुझीला तो देख या आम कौन लिखिपर ट्रिक कही तुमको टी मन पकाओ है एन माइनस वन को थ्री टाइम एक्सटेंड कर पछे आड़ को एक कमे कमे कि जाओ तो एन माइनस वन अच्छे ये तो आम लिखिपर एन माइनस वन ता पछक आसो एन माइनस टू ता पछक आसो एन माइनस थ्री बुझीला अनुपात लगाओ एठी रेसीओ एन पी फोर एन को फोर टाइम एक्सपांड कर पछ आड़ है चार्टा स्टेप जाओ तो प्रथम एन तापर एन माइनस वन तापर एन माइनस टू तापर आसो एन माइनस थ्री हो चार्टा स्टेप पड़ेले आम बुझीला ना चलो ठीक अच्छे इज इक्वल टू वन इज टू नाइन लिखिदेले एबे देख ये जो इज टू अच्छे ना आमर रेसीओ अच्छी याकु आमे भग्नांश माध्यम रे मध्य प्रकाश करी परिवा बुझीला ना डिविजन आकार रे मध्य लिखि परिवा तो केमती लिखा जीवो इस टू जगह रे तुम्हें डिविजन लिखि दियो आमे लिखिबा एन माइनस वन इंटु एन माइनस टू इंटु एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एठी रहिला तुम एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू वन बाय नाइन बुझीला एन माइनस थ्री सहित एन माइनस थ्री कैनसल हो गला एन माइनस टू सहित एन माइनस टू कैनसल हो गला एन माइनस वन सहित एन माइनस वन कैनसल हो गला आउ ए पाखे रहा वन बाय एन वन बाय एन इक्वल टू वन बाय नाइन वन बाय एन इक्वल टू वन बाय नाइन बोल के देख वन सहित वन सामान अच्छे एन सहित नाइन सामान तो एन इक्वल टू नाइन बुझीला ना वन बाय एन जदि वन बाय नाइन तेने एन हो नाइन याकु भी ओल्टे दियो याकु भी ओल्टे दियो एन बाय वन इक्वल टू नाइन बाय वन एन बाय वन जे एन नाइन बाय वन जे नाइन बुझीला ना तो आम लिखिपर एन इज इक्वल टू नाइन बाहरी गला एन रैल्यू के नो बुझीला तो चलो ठीक अच्छे आशा करुड़ा तुम्हें बुझे ना कहार किसी डाउट अच्छे एन माइनस वन ता पछक एन माइनस टू गोटे गोटे माइनस करमती आम थ्री फैक्टोरियल को लिखा थ्री इंटु थ्री माइनस वन इंटु थ्री माइनस टू एमती जावा बुझीला ना हलानी ना बुझीपार ना ये जिनसटा थ्री फैक्टोरियल जे के थ्री इंटु टू इंटु वन ना अब मुझे सही जिनसटा लिखिली थ्री इंटु टू इंटु वन मैंने प्रथम तीन तापर तीन रु एक कमेदेली तापर तीन रु दुई कमेदेली है ये पर्यटन जीव फोर फैक्टोरियल होते फोर
फोर इंटू फोर माइनस वन इंटू फोर माइनस टू इंटू फोर माइनस थ्री एम लिखे से भाया एन माइनस वन आम थ्री टाइम एक्सटेंड करवा पछ आड़ तीन टा स्टेप जावा तो एन माइनस वन गोटे माइनस वन हम एन माइनस टू तापर गोटे माइनस वन हम एन माइनस थ्री बुझीगलाना ट्रिक पकईकी कर जगार चलो तुम्हें चाहिए फर्मूला भी प्रयोग कर दे पार एनपीआर एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को माने क्वेश्चन नंबर सेवेन को क्वेश्चन नंबर सेवेन रो प्रश्न अच्छी फाइंड आर आमको एठारे आर रो वैल्यू बाहर करिया पई पड़िबो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर सेवेन रे दुटा बीट अच्छी बीट वन आ बीट टू प्रथम आम बीट वन रो समाधान करिबा प्रश्न अच्छी फाइव पी आर इज इक्वाल टू टू इंटू सिक्स पी आर माइनस वन बुझीला तो मुझे लिखुची फाइव पी आर इज इक्वाल टू टू इंटू सिक्स पी आर माइनस वन बुझीला बर्तमान आम एठारे एन पी आर रो फर्मूला पकेबा आउ आम जानू एन पी आर रो फर्मूला होउची एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल बुझीला तो आम लिखा फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू इंटू देख सिक्स पी आर माइनस वन तो आम एठार लिखिपर सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल बुझीला तो देख आम कौन पाइबा फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल को आम लिखिपर सिक्स इंटु फाइव फैक्टोरियल बुझीगलाना तो ये सिक्स फैक्टोरियल को लिखो सिक्स इंटु फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एठी हेगला आमर सिक्स माइनस माइनस प्लस हो तो सिक्स प्लस वन सेवेन माइनस आर बुझीगलाना एठी आम पाइबा सेवेन माइनस आर फैक्टोरियल लिखो सेवेन माइनस आर फैक्टोरियल तो फाइव फैक्टोरियल सहित फाइव फैक्टोरियल कैनसल होगा आम पाइबा वन बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू छदुणे बार डिवाइडेड बाय सेवेन माइनस आर फैक्टोरियल देखो ये जो सेवेन माइनस आर फैक्टोरियल अच्छी या को आम लिखिपर सेवेन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इंटू फाइव माइनस आर फैक्टोरियल बुझीला तो बोथ साइड रो आमे 5 माइनस आर फैक्टोरियल को कैंसिल कर दबा आमे पाइबा 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 7 माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर तो देखो 7 माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर ए पाखे हरण हो बाम पाख आसिले कौन हम एक सहित गुणन हो एक सहित गुणन से सेम जिनस ही रही तो आम पाइबा सेवेन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू 12 एति की बुझीला ना एबे तुम्हें गोटे काम कर गुणन कर दियो एति बुझीला जदि मुझे लिभे दूची क्वेश्चन नंबर फाइव आउ सिक्स को समाधान को आमको बढ़ायापी पड़ो से आमको जगह दरकार तो देख गुणन करवा छसता बयालीस तापरे सात गुणन माइनस आर हो माइनस सेवेन आर माइनस आर इंटू सिक्स हो गला माइनस सिक्स आर माइनस आर इंटू माइनस आर हो गला प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व बुझेला तो आम कौन पाइबा देखो आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आर प्लस फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व प्लस फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो आम पाइबा आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आर प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो देख बर्तमान आम गोटे क्वाड्राटिक इक्वेशन पाई क्वाड्राटिक इक्वेशन माने कौन बुझिपार तो द्विघात समीकरण ताको समाधान कर दियो मध्य पद भांगी दियो समाधान हो आम पाइबा आर स्क्वायर माइनस टेन आर माइनस थ्री आर प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो तो आम पाइबा आर इंटू आर माइनस टेन माइनस थ्री इंटू आर माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो बुझीला
तो टोटल टू आर माइनस टेन को कॉमन नहीं जाओ, आर माइनस टेन इंटू आर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यार माने हेउची आर माइनस टेन जीरो होइथिबो नहले आर माइनस थ्री जीरो होइथिबो, बुझेला। तो मुझे एठारे लिखुची टिके एठि लिभे दूची, लिखिबा आर माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो और आर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। आर रो भैल्यू आस तुमर टेन और आर रो भैल्यू आस थ्री, बुझीला। किंतु आर रो दीटा भैल्यू आसवा पॉसिबल नुहे, केवल गोटे भैल्यू आसब। कौन आसब आम कमी जानवा? देखो बेसिक कन्सेप्ट क्लास रे मुझ तुमको सिखेई थी जे आमर जो आर रो भैल्यू अच्छी ये एन सहित तो सामान हो पार नहले एन ठार सान हम, बुझीला। तो आम एमती लिखिपर आर इज लेस देन इक्वल टू एन, आर रो भैल्यू एन रो भैल्यू ठार सान हम नहले ता सहित तो सामान हम। ये आमर देख एन रो भैल्यू कौन अच्छी फाइव अच्छी, बुझीला ना। तो निश्चित भाव पाँच ठार तो सान हम, बुझीला। पाँच ठार सान किए ना तीन, तो आर रो भैल्यू तीन हूँ करेक्ट आंसर। आउ आर रो भैल्यू दस हूँ भूल उत्तर, कहीं दसटा आमर पाँच ठार बड़ ये एन जगह पाँच अच्छी ना, तो आमर आर रो भैल्यू सब बेले पाँच ठार सान हम, बुझीला। पाँच सहित तो सामान हो पार था कि यठार आम पाँच एनसर हिं बाहर पाँच ठार सान हम मान तीन हम यठार दस है बेलू पाँच ठार बेसी हो, बुझीला। तो चलो ए सहित आम बीट वन समाधान हो गला, देखा बीट टूर प्रश्न कौन अच्छी आकान करवा मुझे लिभे दूची बीट वन सल्यूसन को समस्ते बुझी। चलो एबे आम जीबा बीट टू को, बीट टू में सिमिलर प्रश्न अच्छी। देख कई फाइव पी आर इज इक्वल टू सिक्स पी आर माइनस वन, तो सिमिलर प्रश्न अच्छी से जो टू थिला ना बीट वन प्रश्न रे एठी आउ नाही, बुझीला। तो आम लिखिपर एठी फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल माने सेवेन माइनस आर फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखी दूची, कहीं पूर्ववर्ती प्रश्न रे आम समाधान करके आसचु। आमे पाइबा फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल को लेखो सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवेन माइनस आर फैक्टोरियल को आमे लिखी पारिबा सेवेन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इंटू फाइव माइनस आर फैक्टोरियल। तो बोथ साइड रु आमे फाइव फैक्टोरियल को कैंसिल कर दे परिबा आ फाइव माइनस आर फैक्टोरियल को मध्य कैंसिल कर दे परिबा, बुझेला। तो आमे पाइबा वन इज इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाय सेवेन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर। तो या को नहीं कि पाखे गुणन कर सेवेन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर हो गला आमर सिक्स सहित सामान है। तो मुझे लिखी ये सेवेन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू सिक्स। तो सेवेन माइनस आर सहित सिक्स माइनस आर को गुणन कले आम यही जिनसटा ही पाइबा आखिर रहा आमर सिक्स, बुझीला। तो एबे सल्यूसन आमर सिमिलर हम, देख केमती करवा आम पाइबा आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आर प्लस फोर्टी टू माइनस सिक्स प्लस फोर्टी टू माइनस सिक्स इज इक्वाल टू जीरो, बुझीला। तो आसीगला आमर थर्टी सिक्स आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आर प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वाल टू जीरो। कर देखा केते आसीबो मध्यपद भांगी की समाधान करी हबो कि दीटा संख्या कह जहाँ को गुणिले तो हम आम छतीस किंतु मिसेले तेर हम नचौ छतीस हाँ हो नचौ छतीस नौ आउ चार मिसेदेले तेर। तो आम लिखिपर आर स्क्वायर माइनस नाइन आर माइनस फोर आर प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आर इंटू आर माइनस नाइन माइनस फोर इंटू आर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो मोट उपरे आम पाइबा आर माइनस नाइन इंटू आर माइनस फोर
इज इक्वल टू जीरो तो आर रैल्यू आमर नाइन आसो ना फोर आसो आउ तो डायरेक्ट आम लिखिद आर इज इक्वल टू नाइन और आर इज इक्वल टू फोर आर इज इक्वल टू नाइन और आर इज इक्वल टू फोर किंतु दुटा जाक भैल्यू तो एक सांगे आसीपर ना दुटा भितर गोटे आसब तो आम जाचु आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन से हिसाब रु पकई दियो एठी देखो एन किए अच्छी फाइव अच्छी तो आम पाँच ठारू सान हवा दरकार आर रैल्यू तो पाँच ठारू सान मान या आर इक्वल टू फोर इज द करेक्ट आंसर एटा हेनी आर इक्वल टू नाइन हेनी बुझीगला ना चलो ठीक अच्छे एथ सहित आम क्वेश्चन नंबर सेवेन रो सल्यूसन हो गला आउ नेक्स्ट क्लास रे आम क्वेश्चन नंबर एट रो सल्यूसन पाखु आरंभ करवा बुझीगला ना एक्सरसाइज आमर टी लंग अच्छी से नेक्स्ट क्लास रे आम क्वेश्चन नंबर एट रो सल्यूसन करवा आज क्लास को आम एठारे ही समाप्त करवा धन्यवाद।